हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जहां पर हम बात कर रहे हैं एबल्टन लाइव 10 ट्यूटोरियल्स के बारे में। नाउ इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको अपने मिडी कीबोर्ड्स, जैसे कि आपके पास कोई भी एक्सटर्नल मिडी कीबोर्ड है, वो एक सिंथेसाइजर हो सकता है, आपका लॉन्च पैड हो सकता है, या फिर आपके पास कोई भी एक मिनी मिडी कीबोर्ड हो सकता है, उसको आप किस तरह से एबल्टन लाइव के अंदर मैप करेंगे। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की कीबोर्ड को भी एज अ मिडी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करूँगा एबल्टन लाइव 10। यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो गया है एबल्टन लाइव का फ्रंट इंटरफेस। नाउ मेरे पास जो मिडी कीबोर्ड है वो है अकाय प्रोफेशनल का MPK 25, तो मैं उसको आपको मैप करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ का कीबोर्ड है उसको भी आपने सेम ही तरीके से मैप करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शंस में, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रेफरेंसेस। आपको अगर शॉर्टकट यहाँ पर देखना है तो कंट्रोल प्लस ये जो कॉमा का साइन है, इससे अगर आप ओपन करेंगे तो भी ये ऑप्शन खुल जाएगा। नाउ यहाँ पर हमें आना है अपना लिंक मिडी, जो कि थर्ड ऑप्शन है ऊपर से। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इस समय कुछ भी मैप यहाँ पर नहीं है, तो सारी चीज़ें आप नन देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैप करने के लिए सबसे पहले मैं पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स जो हैं इन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो जो भी आपका वेंडर है आपको यहाँ से उसको चूज़ करना है। जैसे लॉन्च पैड है, MPK 2 है, नोवेशन का कोई है, तो मेरे पास जो है वो है अकाय का MPK 25, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप देखिए कि LPK 25 ऑलरेडी सेकंड इनपुट के अंदर अपने आप आ जाएगा, जैसे ही मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया नंबर 2, और आउटपुट के अंदर भी मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा जो कि मैंने फर्स्ट 2 में सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मेरा जो है LPK 25, इसको ही मैं सेलेक्ट करूँगा। जो ये वाला ऑप्शन है इससे ऊपर, ये है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड का, तो इसको हमने चूज़ नहीं करना है यहाँ से। तो हमने ये तीनों चीज़ें रख दी। उसके बाद हम नीचे के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर जो इसका ट्रैक है वो ऑन होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि इसका रिमोट का ऑप्शन भी यहाँ से ऑन होना चाहिए, तो अगर ये ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब हमने अपना जो एक्सटर्नल कीबोर्ड था वो मैप यहाँ पर कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कि इससे हमें कोई इनपुट मिलता है या नहीं। इसको मैं करूँगा यहाँ से कैंसिल। जो मेरा फर्स्ट ट्रैक है वो मिडी ट्रैक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मिडी ट्रैक के ऊपर हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैप करते हैं, यहीं पर हम सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो मैं इसको रिकॉर्ड इनेबल करूंगा। नाउ रिकॉर्ड इनेबल करने का मतलब यह है कि मैं इसमें एक ऑप्शन होता है ये वाला सबसे लास्ट में, जहां पर मेरा कर्सर है, इसको मुझे इनेबल करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि रेड हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि अब मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहां पर इनपुट दे सकता हूं और मैं यहां पर उससे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो मैं अपने मिडी कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे कि कुछ कीज़ प्रेस करूंगा और लेट्स सी कि कोई इनपुट आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस वाली लाइन पर यहाँ पर इनपुट आना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, अब देखते हैं इनपुट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है इस समय, क्योंकि ये रिकॉर्ड के लिए इनेबल ही नहीं था। तो इसको ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए और उसके बाद आपको इनपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैप कर सकते हैं अपना मिडी कीबोर्ड, और सेम प्रोसेस रहेगा आपके कोई भी एक्सटर्नल सिंथेसाइजर के लिए भी या फिर पियानो के लिए। नाउ लेट्स सी कि आपको नोवेशन का, अगर आपके पास लॉन्च पैड है तो उसको कैसे मैप करते हैं। सेम ऑप्शन रहेगा, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, सेकंड कीबोर्ड पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लॉन्च पैड सेलेक्ट करना है। आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो देखिए नीचे एल से सर्च करेंगे तो लॉन्च की, लॉन्च पैड मिनी, MPK 2, लॉन्च पैड। तो मेरे पास यहाँ पर लॉन्च पैड है, मैंने लॉन्च पैड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास लिस्ट के अंदर यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा लॉन्च पैड अभी मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही मैं उसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं एक टाइम पर एक ही मिडी कीबोर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे सिर्फ LPK वाला ऑप्शन दिखा रहा है। पर अगर आपको लॉन्च पैड कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन में लॉन्च पैड सेलेक्ट करेंगे, देन सेकंड ड्रॉप डाउन में भी आपके पास लॉन्च पैड ही आ जाएगा, एंड देन उसके बाद थर्ड में भी आपको वैसे ही करना है, एंड देन आपका लॉन्च पैड यहाँ पर मैप हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक एंड रिमोट जो है वो ऑन होने चाहिए। तो इस तरह से हम मैप करेंगे अपना लॉन्च पैड या फिर कोई भी अदर मिडी कीबोर्ड आपके पास है तो।
उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड को भी एज ए मिडी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं और उसको एबल्टन के अंदर यूज़ करना इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर, आपको ये ऑप्शन दिखेगा, देखिए छोटा सा एक पियानो बना हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब मेरा जो कीबोर्ड है वो एज अ मिडी कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कोई भी कीज प्रेस करूँगा, देखिए मैंने कीज प्रेस किए और मेरा जो इनपुट है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा यहाँ से तो मेरे ऑप्शंस जो है वो डिसेबल हो जाएंगे और मेरा कीबोर्ड वो है कीबोर्ड जो है वो एज अ नॉर्मल कीबोर्ड ही फंक्शन करेगा। तो इनेबल करेंगे तो ये इनपुट आना शुरू हो गया। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न द एंटायर एबल्टन लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।